मैं डॉक्टर मनोज कुमार आप सभी का देसी एफएम मनोज में स्वागत करता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में हमें जागना चाहिए। इस समय किया हुआ कार्य, ध्यान, पढ़ाई, ये सभी सफल होते हैं। हमारा स्मरण शक्ति, हमारा आत्मबल बढ़ता है। हमें धर्म और कर्तव्य पथ से कोई नहीं डिगा सकता है। हमें खुद और अपने बच्चे को ब्रह्म मुहूर्त में जागने की कला सिखानी चाहिए, महत्व बतलाना चाहिए। देखिए किस तरह से वानर राज प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के अपने भगवान के ध्यान के लिए वो आते हैं, और देखिए किस तरह से जो कुत्ते रूपी राक्षस हैं उन्हें तंग करते हैं। आप आगे वीडियो में देखिए। देखिए यहाँ पे वानर राज बैठे हुए हैं और यहाँ से अब धीरे धीरे चलेंगे, मंदिर के प्रांगण में आएंगे। यह बुद्धेश्वर धाम है, यहाँ प्रत्येक दिन वानर राज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आते हैं और भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। देखिए आप देखिए यहाँ पे, देखिए वानर राज दिखाई दे रहा है। देखिए वो चलना शुरू किए, अब यहाँ से धीरे धीरे मंदिर के प्रांगण में वो प्रवेश करेंगे। यही कला हमें अपने और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का ध्यान करें। कितना भी कष्ट है, राक्षस आपको तंग करे, फिर भी अपने देव का ध्यान करें। देखिए किस तरह से सस्तान दंडवत वानर राज अपने प्रभु के चरणों में कर रहे हैं, और यहां से चल करके ध्यान करेंगे और फिर से दंडवत प्रणाम करेंगे। देखिए हमारा आत्मबल जब मजबूत होता है तो किस तरह से ये राक्षस रूपी जो कुत्ते होते हैं इनको बांध भगाते हैं, उस तरह से हम भी भगा सकते हैं। देखिए भगवान के द्वार को आकर के चरण स्पर्श किया और दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ओम नमो हनुमते सीता रामाय नमः, 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 ओम नमो हनुमते सीतारामाय 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 नमः।